हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरएस फैशन एंड स्टिच। आज मैं आपको सिंपल कपड़े में डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो मेरा कपड़ा है, इसको हम फोर फोल्डेड कर देंगे क्योंकि हम दोनों पार्ट इसी में काट रहे हैं। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई चाहिए मुझे 45 इंच। मैं 45 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और 3 इंच चाहिए हमें फोल्ड करने के लिए। तो टोटल लंबाई लेंगे हम 38 इंच। दूसरी साइड से भी हम पहले 45 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच अंदर फोल्ड के लिए 48 इंच लेंगे। अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। ये देखिए, अब ऊपर से हम लेंगे तीरा, तो तीरा ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब आर्मोल्स के निशान लगाएंगे, आर्मोल्स भी हम 7 इंच ले रहे हैं। बोट नेक में हमेशा तीरा ज़्यादा लिया जाता है। फिर उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बाद में हम इस पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मैं चेस्ट, कमर और हिप के निशान लगा रही हूँ। तो कमर का निशान लगा रहे हैं हम 15 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे। ये निशान लगा दिए, अब इनकी भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इससे आपको निशान लगाने में आसानी होती है। चेस्ट है 38 इंच, तो उसका फोल्ड पार्ट ले रही हूँ 9.5 इंच। कमर है 34 इंच, उसका फोल्ड पार्ट ले रही हूँ 8.5 इंच। हिप है 40 इंच, तो उसका फोल्ड पार्ट लेंगे हम 10 इंच। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद 2-2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान थे और ये हमारे कटिंग के निशान हैं। तो हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्मोल्स की गोलाई लेंगे 1.5 इंच पे। ये हमारे बैक साइड की गोलाई है। ऊपर से हम लेंगे, बोट नेक बनाना है तो 4 इंच पे, और हम चौड़ाई भी ले रहे हैं 4 इंच, लंबाई भी 4 इंच लेंगे। ये हमारा गले का निशान है, बोट नेक हमेशा चौड़ा ही होता है। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे गले की। इसके बाद 1/2 इंच हम तीरे का निशान लगाएंगे ढाल में। यहाँ पर हमारा 12 इंच है, तो हम नीचे से भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारी बिल्कुल सीधी कुर्ती बनेगी। अगर आप ये लाइन लगा के कटिंग करते हैं तो आपकी कुर्ती बिल्कुल सीधी बनती है, आड़ी टेढ़ी नहीं भागती है। इस निशान को भी हम मिला लेंगे। अभी निशान लग के मैं तैयार हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम कटिंग हम तीरे से करते हैं, पहले तीरा काटेंगे फिर आर्मोल। निशानों के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है, जो हमने लूजिंग का निशान लगाया था उसी पे हमें कटिंग करनी है। ध्यान रखें, फिटिंग के निशान पे कभी कटिंग नहीं करनी है। अभी हमारी कुर्ती कट चुकी है, ये हम बुकरम पे बनाएंगे इसलिए इस गले को बाद में काटेंगे। अब हम फ्रंट साइड के आर्मोल की निशान लगाएंगे। तो हमने जहाँ 7 का निशान लगाया था, वहाँ से हम अंदर की साइड को 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा तीरे का निशान था उससे मिला देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इस पे हम गोलाई देंगे। ये हमारे फ्रंट कुर्ती की गोलाई है। ये हमारा कुर्ती का बैक साइड है, तो हम यहाँ से 4 इंच पे लगाएंगे गले के निशान। नीचे से हम 3 इंच पे ले रहे हैं, इधर से भी 4 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अभी बैक गले की गोलाई दे देंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
अब जो हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स की गोलाई दी थी उसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारे कुर्ती के दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। अब इसको हम फोर फोल्डेड करेंगे, इसको ऐसे करके मोड़ लेंगे। ये हम स्लीव्स लॉन्ग बना रहे हैं तो हम इसकी लंबाई लेंगे 22 इंच, और इधर से भी 22 इंच लेंगे। और जो ये नीचे का कपड़ा बचा हुआ है ये अंदर को फोल्ड हो जाएगा, तो हम 1.5 इंच नीचे का कपड़ा लेंगे। ये आर्म होल की गोलाई के लिए हम लेंगे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो हमारी मोरी है वो है 7 इंच, तो हम यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम लूजिंग के लिए। ये हमारे निशान लग गए। अब इस निशान को हम नीचे भी लगा लेंगे, नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम फोल्ड करते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे। तो आपको नीचे से ले जाके ऊपर को देनी होती है गोलाई। इसके बाद हम अंदर के साइड की गोलाई देंगे, जैसे हमने कुर्ती की दी थी फ्रंट पार्ट की, ऐसे इसकी भी फ्रंट पार्ट की देंगे। अब कटिंग करेंगे हम इसकी, हम जो बाहर की गोलाई दी है उसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे निशान लग रखे हैं उसी के ऊपर कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम खोल के रखेंगे और फिर अंदर की जो गोलाई दी थी हमने उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी, तैयार हो चुकी है कुर्ती हमारी, कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हमने गला तो पहले ही बना ही लिया था फ्रंट का। अगर आपको इस गले की वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गले के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये बैक गला है, इसमें हमने उरे पट्टी लगाई है और ऊपर से हमने इस पर दबाने वाली सिलाई लगा दी है। अब इस फ्रंट गले को हम इसके पास में रखेंगे, जो हमने ये पट्टी लगाई थी उससे हटा के रखेंगे, और ये पट्टी ऊपर को लगा के उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे, उस पर सिलाई मार देंगे। ये देखिए, ऐसे करके अगर आप खोलेंगे तो ये अंदर को चला जाएगा और ये मजबूती से लग जाएगा गले का। तो हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। और ध्यान रखिए, तीरे पे जो सिलाई मारेंगे आप डबल सिलाई मारेंगे। देखिए हमारे गले जुड़ चुके हैं बिल्कुल, आपको भी इसी टाइप से सिलाई करनी है। अब जो हमारी वो जो पट्टी थी वो अंदर को चली जाएगी। गला हमारा इस टाइप से तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पट्टी है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई मार देंगे। तो हमें ऐसे करके डबल फोल्ड करनी है, पहले सिंगल फोल्ड फिर उसके बाद डबल फोल्ड करके सिलाई मारनी है। खाली पट्टी पट्टी अंदर को मोड़नी है। सिलाई मारने के बाद ये जो हमारा फिटिंग के निशान थे हम इस पर सिलाई मारेंगे। गले मेरे तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब फिटिंग के निशानों पे हम सिलाई मारेंगे। जहाँ तक हमने फिटिंग का निशान दिया था वहीं तक हम सिलाई मारेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। इसी तरह के से हम दूसरी साइड भी सिलाई मारेंगे। तो ये हमारी फिटिंग के निशान पे सिलाई लग चुकी है दोनों साइड में। अब इसके बाद जो साइड में खुला हुआ कपड़ा था हम इनको फोल्ड करेंगे। इनको हम ऐसे सिंगल में फोल्ड करेंगे जो हमने निशान मार रखे वहां तक, फिर उसके बाद हम डबल में करके फिर इस पर सिलाई मारेंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई मारनी है, कुर्ती के फ्रंट पार्ट में भी और बैक साइड में भी।
ये देखिए आपको भी इसी तरीके से सिलाई मारनी है। ये हमने चारों पार्टों पे सिलाई मार दी है। ये देखिए अब इस पे हम लेस लगाते हैं। तो हम सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उस पे हम लेस रखेंगे और दोनों साइड सिलाई मारेंगे। देखिए अभी इसी सिलाई को हम वापस ले जाएंगे ऊपर को। अभी इस सिलाई को हम ऊपर को घुमा लेंगे और ऊपर को भी यही सिलाई ले जाएंगे। इसी तरह के से हमें दूसरी साइड भी लेस लग को लगाना है। ये देखिए हमने एक साइड लेस लगा दी है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी लेस लगेगी। यहाँ पर ये हमारी लेस लग चुकी है दोनों साइड। अब जो हमारा नीचे का कपड़ा रह गया था कुर्ती का, उसे हम डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई मार देंगे। ये देखिए ये हमने दोनों साइड कुर्ती के सिलाई मार दिए कपड़ों पे फोल्ड करके नीचे से। अब इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे। तो जो हम लेस लगा रहे हैं वो कुर्ती के फ्रंट साइड लगा रहे हैं। आप चाहें तो बैक साइड भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमने दामन में भी लेस लगा दी है। अब इसमें हम एक और लेस लगाएंगे। हम नीचे की साइड डबल करके लेस लगा रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही करके पूरे में लगानी है आपको। ये हमारी लेस लग चुकी है। ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम स्लीव्स को तैयार करते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स हैं, तो हम नीचे से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर फिर लेस लगाएंगे। जो हमारी स्लीव्स की मोरी थी हम उनको फोल्ड कर लेते हैं डबल और उस पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब इनके ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जितना हमारा कुर्ती के आर्मोल से फ्रंट के, तो हमें बाजू की भी गोलाई वैसी देनी है। फ्रंट की गोलाई कुर्ती के फ्रंट के आर्मोल्स पे आनी चाहिए। ऊपर से ले जाके हम निशान लगाएंगे। जहाँ तक हमने फिटिंग के निशान दिए थे वहाँ तक निशान लगाएंगे। फिर जो हमारी मोरी थी वो थी 7 इंच, तो हम यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। आपको भी इसी तरीके से करना है। इसी टाइप से दूसरी भी बाजू में हमें ऐसे निशान लगाने हैं और इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बाजू हमारी सिल चुकी है। अभी तैयार हो गई है बाजू हमारी। अब इसको हम जो हमारी कुर्ती का आर्मोल्स था जिससे हमने मिला के निशान लगाया था उसके अंदर सीधी करके बाजू डालेंगे और बिल्कुल जो हमारे फिटिंग के निशान थे बाजू का और कुर्ती का उन्हें मिला के, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम बैक साइड को फोल्ड कर देंगे। आपको भी इसी तरीके से करना है, बाजू का भी और कुर्ती का भी, और इसके ऊपर हम पूरे पर सिलाई मार देंगे। ये देखिए बाजू को हमने कुर्ती में अटैच कर दिया है। ये हमने दोनों बाजू को कुर्ती में अटैच कर दिया है। ये हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये लॉन्ग स्लीव्स की कुर्ती है। ये देखिए हमने सिंपल सी कपड़े को डिजाइनर कुर्ती में बदल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।